प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय जापान यात्रा का आज आखिरी दिन है और आज अपने दौरे के अंतिम दिन पीएम मोदी ने जापानी समकक्ष शिंजो अबे के साथ जापान की हाई स्पीड बुलेट ट्रेन में सवारी की। दोनों ने टोक्यो से कोबे तक की यात्रा साथ की। इस दौरान पीएम ने कुछ फोटो भी ट्वीट किए। आपको बता दें कि इसी बुलेट ट्रेन की तकनीक का इस्तेमाल मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे में किया जाएगा। वहीं कोबे में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया, जहां उन्होंने कहा कि कोबे ने गुजरात में भूकंप के समय मदद की। यहां पीएम ने कहा कि भारत की तरक्की के पीछे 125 करोड़ लोग ही हैं। विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत तेज गति से बढ़ रहा है। वहीं नोटबंदी पर बयान देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश हित के लिए सभी लोग सहयोग दे रहे हैं। तकलीफ के बावजूद फैसला स्वीकारा, सभी भारतवासियों को मैं नमन करता हूँ। इससे पहले कल भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे की मौजूदगी में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर सहमति बनी है। जापान ने भारत की एनर्जी में पूर्ण सदस्यता के लिए पूर्ण समर्थन का ऐलान किया है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने साझा प्रेस वार्ता में इसका ऐलान किया। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जापान एक नेचुरल पार्टनर हैं और यह समझौता क्लाइमेट चेंज के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। भारत जापान के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण साझेदार है। तो एटमी डील के बाद आज भारत और जापान के बीच दोस्ती को नई रफ्तार मिली। दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने एक साथ हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की सवारी की और इस दौरान दोनों के बीच ट्रेन की तकनीक को लेकर भी बातचीत हुई। देखते रहिए टीवी लाइव।